यह सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं वृंदावन धाम से, दिल्ली अशोक विहार में रहने वाले परिवार की। आप सब वृंदावन गए हैं? सब गए हैं, लेकिन मथुरा नहीं जाते आप लोग? नहीं जाते सर, बस वृंदावन बिहारी लाल की जय करके मथुरा नरेश की जय नहीं करके आते। कभी देख कर आना साहब, पलके बिछा के बैठा है वो कन्हैया कि कोई आएगा। जिस कंस ने मुझे कारावास में जन्म दिया था, उस कारावास से निकालकर मुझे महलों में लेकर जाएगा वो कन्हैया, आज भी उन नजरों से देखता है। दिल्ली अशोक विहार, आप ही के जैसे परिवार के लोग, एक बुजुर्ग मां और एक बेटा, बेटा इंजीनियर, साइंस को मानने वाला, भगवान को नहीं मानता था। मां अकेली रहती थी तो वो एक लड्डू गोपाल ले आई वृंदावन से, उसी को सजाती, उसी को निहारती, उसी को भोग लगाती। बेटा एक दिन अपने ऑफिस से 3 महीने के लिए छुट्टी पर आ गया, इंजीनियर था ना, तो मां ने, जन्माष्टमी का दिन आया, मां की तबीयत खराब हुई, मां ने अपने बेटे को कहा कि जाकर लाला का श्रृंगार कर दे। बेटा बोला, मां मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं नहीं मानता तेरे इस भक्ति भाव को, मैं साइंस को मानता हूं, इससे परे की बातें मुझे समझ नहीं आती। मां बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू चला जा, श्रृंगार कर दे आज के। नहीं माना, घर में कलेश छिड़ गया। पड़ोसी आया, बोला, यार क्या फर्क पड़ता है, जाकर कर दे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त दिन देखी तैसी। जागरण में अगर सिर्फ भंडारे के लिए आओगे तो एक रात का प्रबंध करके जाओगे, लेकिन जागरण में भजन के लिए आओगे तो वादा करता हूं सातों पीढ़ियों के भजन का प्रबंध करके जाओगे, भोजन का प्रबंध करके जाओगे। उसने जैसे ही मूर्ति उठाई, वो मूर्ति नीचे गिर गई। जब मूर्ति नीचे गिरी, मां बिस्तर पे बैठी, वहीं उसको पता लग गया कि मेरे लाला के चोट लग गई। ये मां की ममता होती है। वहीं से चीख पड़ी, लाला क्या हुआ? शोर मचाने लग गई, जिद करने लग गई कि डॉक्टर को बुलाओ, मेरे लाल का हाल दिखाओ। पड़ोसी ने फिर समझाया, जा चला जा, बुढ़िया है, समझ जाएगी। डॉक्टर को झूठ बोल के ले आ, झूठ बोल के ले आया डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब चलो, मेरी माँ पागल हो गई है, वो एक मूर्ति के अंदर प्राण की बात करती है, कहती है लड्डू गोपाल के चोट लग गई है, जाओ चलो मेरे साथ। डॉक्टर आया, पेमेंट के चक्कर में डॉक्टर को बेटा कहकर लाया, जो पैसे चाहिए जितने चाहिए मैं दूंगा, लेकिन एक बार मेरी माँ को झूठ बोल दो जाके। डॉक्टर आया, लड्डू गोपाल का हाथ हाथ में लिया और वो लड्डू गोपाल बोल पड़े, जरा ध्यान से सुनिएगा, प्रेम से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, आइए। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इसकी जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। आपको क्या लगता है कि इतनी रात को आपकी कमर में दर्द है फिर भी इतनी देर तक बैठे हो, तो ये आप बैठे हो? नहीं साहब, वो कमर पे हाथ लगा के बैठा है आपके, कि आपके दर्द ना हो साहब। आप अकेले नहीं बैठे हो इस पंडाल के अंदर। आपको प्यास लग रही है तो पानी आप तक पहुंच रहा है, जिसको प्यास लगी नहीं रही उसको भगवान का नाम पहुंच रहा है, तो ये उसी की कृपा है। जो सुनना चाहते हैं इस भजन को, दोनों हाथ उठाकर एक बार आज्ञा दें, जय हो। बाके बिहारी लाल की जय, अपने अपने लड्डू गोपाल की जय। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। ओ भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, जान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है
किसके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, जिनके हैं वो ताली बजाना जरा, एक ये दो ये तीन चार। भगत मुरली वाले के रोज वृंदावन डोले, भगत मुरली वाले के रोज वृंदावन डोले, भगत को लल्ला समझे, भगत को लाला समझे, भगत को लल्ला समझे, भगत को लाला समझे। शाम के प्यार में पागल हुई वो शाम दीवानी, शाम के प्यार में पागल हुई वो शाम दीवानी। अगर भजनों में लागे छोड़ दे ताना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे ताना पानी। और भजन में झांक के सुनो, हम सुबह सुबह भोग लगाते आते घरों में तो लगना ही बंद हो गया, क्योंकि जल्दी इतनी है, लतू खाला पहले। यहां जितने बैठे हैं ना, झूठ मत बोलना, हनुमान चालीसा पढ़ने का स्टाइल क्या है आपका? श्री गणेश, कौन सा हनुमान चालीसा? बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ, हाथ जोड़ता हूं, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई, तुम खड़े रहो क्योंकि बैठने की जगह नहीं है। पढ़ना सीखो, ऐसा पढ़ो कि खुद को भी समझ आए, पड़ोसी सुन ले तो वो भी पढ़ने लग जाए। वो नहीं कि खुद को भी समझ नहीं आया, भगवान को भी समझ नहीं आया। और आप जो भोग लगाती हैं, सुबह रख दिया शाम को याद आता, अल्लाह हुण तां मैं भुलेगी, इतना सवेर दा पिया। ना ना साहब, वो दिन में झांक के देखे, रात में जाग के देखे, रात में जाग के देखे, कभी अपने लल्ला को कमरे से झांक के देखे, कभी अपने लल्ला को कमरे से झांक के देखे। अपने प्राण से ज्यादा रखती, प्राण से ज्यादा रखते, हो 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 हो, अपने प्राण से ज्यादा रखते, अपने लल्ला का ध्यान भगत के। भजन समझ आया यहां तक? ताली बजाना जरा। वो बेटा गया, मां ने कहा जाकर देख कर आ, लाला का श्रृंगार करके। बिल्कुल मध्यम में जाना भाई, तालियों की बात ज्यादा है। बेटा गया, लड्डू गोपाल उठाए वो नीचे गिर गए, और मां को पता लगा जब वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या गजब हुआ रे, लल्ला लल्ला पुकारे, हाय गजब हुआ रे। बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिराए। बेटा तू तो बाहर रहता है, लेकिन मेरे बुढ़ापे की लाठी ये लड्डू गोपाल है। जाओ डॉक्टर को बुला लो, लाल का हाल दिखा लो, जाओ डॉक्टर को बुला लो, लाल का हाल दिखाओ। और माँ ने कह दिया, अगर उसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ, अगर उसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। वो इंजीनियर भागा भागा गया, डॉक्टर साहब आप मेरे साथ चलिए, मेरी माँ पागल सी हो गई है, वो एक मूर्ति के अंदर प्राण की बात करती है, आप जाकर झूठ बोल दो उसे, जितना पैसा मांगोगे मैं दूंगा, अगर आप नहीं गए ना डॉक्टर साहब तो। रोते रोते पागल हो गई, 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 कहने लगा बलवान भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है। और प्रेमियों अब सुनना, यहां तक समझ आई? डॉक्टर आया, कलयुगी डॉक्टर था, पेमेंट के चक्कर में आया था वो,
वो न बज टटोल के बोला ये तेरा लाल सही है, वो न बज टटोल के बोला ये तेरा लाल सही है। वो डॉक्टर और ये साध जो सुल्फा गांजा लगा के अपने डेरे बना के बैठे हैं, उस डॉक्टर में और इनमें कोई फर्क नहीं है। वो न बज टटोल के बोला ये तेरा लाल सही है, वो न बज टटोल के बोला ये तेरा लाल सही है। माई चिंता ना करियो कोई तकलीफ नहीं है, माई चिंता ना करियो कोई नहीं। डॉक्टर साहब ये छोटा सा बच्चा इतनी ऊंचाई से गिरा इसके माथे पे चोट आई होगी। वो माथा देख के बोला ये तेरा लाल सही है, वो माथा देख के बोला ये तेरा लाल सही है। और माँ अगर तुझे भरोसा नहीं होता तो कसम खा करके बोलू लाल तेरा सही सही है, कसम खा करके बोलू लाल तेरा सही। नहीं डॉक्टर साहब ऐसा मत करो, आपके गले में जो स्टेथोस्कोप है लोगों की धड़कन चेक करते हो लेकिन मेरे लाला की धड़कन चेक नहीं करी आपने। और प्रेमियों सन 2006 दिल्ली अशोक विहार एक अनपढ़ माँ के कहने पे इंजीनियर के सामने धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का। मूर्ति में थी जान भगत के जैसे ही डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप लगाया धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में थे प्राण भगत के भगवान। अच्छा लगा यहाँ तक बजा, समझ आया? आखिर में डॉक्टर बोला कि माँ ये क्या हो गया। माँ बोली इंजीनियर बेटे को जाओ अपना लाला ठीक हो गया इसको बाहर छोड़ के आओ। डॉक्टर बोला माँ देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा रहा हूँ, देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा रहा हूँ। मैं बाहर नहीं जाऊंगा तो कहाँ जाओगे? जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पे जा, जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पर जा रहा। अच्छा ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब आपको हम पेमेंट कह के लाए थे कि पैसा देंगे, आपका पेमेंट बताइए। डॉक्टर ने पेमेंट सुनाई साहब जो पैसे लेने आया था। लाल तेरा जुग जुग जीवे बड़ा एहसान किया है, लाल तेरा जुग जुग जीवे बड़ा एहसान किया। मेरी पेमेंट इतनी है कि मैं बोल नहीं सकता, ब्लैंक पेपर मंगा लिख के बताऊंगा मेरी पेमेंट क्या है। प्रेमियों ब्लैंक पेपर मंगाया, डॉक्टर ने हाथ में पेन लिया और लिखना शुरू किया। लाल तेरा जुग जुग जीवे बड़ा एहसान किया है, लाल तेरा जुग जुग जीवे बड़ा एहसान किया है। आज से सारा जीवन इसी के नाम दिया है, आज से सारा जीवन इसी के नाम। ये दरबार है, ये दरबार है साहब, यहां कब नास्तिक आस्तिक हो जाता है किसी को नहीं पता, यहां कब बुरा आदमी अच्छा हो जाए किसी को नहीं पता, और यहां कब सांवरा आपको मिल जाए किसी को नहीं पता। आज से सारा जीवन इसी के नाम किया है, आज से सारा जीवन और के नाम किया। डॉक्टर ने इंजीनियर को बुलाया, अपनी जिसने जन्म दिया ना उस माँ को याद करके ताली बजाना जो मैं लाइन कहने जा रहा हूं। जगत जननी के लिए नहीं आपकी जननी के लिए, उस माँ के लिए ताली बजाना जिसने जन्म दिया। डॉक्टर ने इंजीनियर को बुलाया, इधर तू मुझे कह के लाया था तेरी माँ पागल हो गई है उसका इलाज करना है। अरे इस बांके बिहारी ने तो, अरे बेटा तेरी माँ नहीं पागल, अरे बेटा तेरी माँ
पीछे पागल हिंदुस्तान भगत बस में है भगवान भगत के बस में है भगवान हो अरे बेटा तेरी मां नहीं पागल अरे बेटा तेरी मां नहीं पागल पागल सारा जहान भगत के माँ के लिए ताली बजाना सर डॉक्टर बोला माँ मैं जाऊं माँ बोली नहीं अभी रुक जाओ करते करते डॉक्टर बोला माँ ये कौन सा जादू है जो तूने किया ये ये लाला जाग गया तेरा लाला जाग गया आपके घर में भी लड्डू गोपाल है साहब उन्हें ले लेके घूमने की जगह अपने घर के अंदर कभी बात किया करो जमाना घर के अंदर उससे बात ही नहीं करता है और बाहर जाएगा तो लड्डू गोपाल लेकर जाएगा घर में कलेश करेगा सो तब नहीं सोचेगा अंदर भगवान बैठे हैं बाहर लेके जाऊंगा सजा के लेके जाऊंगा हर कोई एक जैसा नहीं है कहीं सब अपने ऊपर ले जाओ लेकिन पहले घर के कलेश को खत्म करो महेश अपने आप आ जाएंगे साहब अपने आप आ जाएंगे हो कृष्णा कृष्णा आए कृष्णा जगमग हुआ रे अंगना मेरा कृष्णा आए कृष्णा जगमग हुआ रे अंगना बनवारी माँ की ममता से बनवारी माँ की ममता से बनवारी माँ की ममता से बनवारी माँ की मेरी गुजारिश से मेरी बहनों से है मेरी माओ से है अपने बच्चों को सिखाते हो आप अंकल के पांव छू आंटी के पांव छू अपने छूना सिखवाओ सुबह उठते ही आपके पांव छुए आपके तो पांव छूता नहीं लेकिन बाजार में मेडल के लिए आप अंकल आंटी के पांव छुआते हो अंकल आंटी का आशीर्वाद लगेगा कब अगर उसके चोट लगेगी तो उनका आशीर्वाद लगेगा उसकी चोट भर जाएगी लेकिन आपके आशीर्वाद उसे चोट लगने ही नहीं देगा चोट लगने ही नहीं देगा इसलिए अपने बच्चों पर अपना हाथ अच्छे से फेरा करो कि बेटा कोई बात नहीं अभी दिल्ली में एक लड़की 85% नंबर लेकर आई 12वीं में क्या किया सुसाइड कर लिया क्योंकि माँ बाप ने प्रेशर बनाया था 95% चाहिए ऐसे 95% का क्या करोगे साहब जब आपके बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर होगा कि आपसे आंखें ही नहीं मिला पाएंगे वो अगर कुछ इन्हें सिखाना है तो परसेंटेज अपनी ममता की बढ़ाओ ये बच्चे कुछ ना कुछ कर जाएंगे साहब कर जाएंगे कुछ ना कुछ इनको प्रेशर में मत रखो शरणों से हमको लगा लो हम गिर रहे हैं संभालो शरणों से हमको लगा लो हम गिर रहे हैं संभालो हम तुम्हारे हैं सवरिया हम तुम्हारे हैं सवरिया कर्मों से हमको बचा लो बुरे कर्मों से हमको बचा लो बनवारी माँ की ममता से ममता से हार गया भगवान भगत के बस में है 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 भगवान भगत के भगवान भगत के
की